स्टूडेंट्स, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक विच इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग। अब हम ये लीनियर प्रोग्रामिंग किसके अंदर पढ़ेंगे, हम ये पढ़ने वाले हैं ऑपरेशनल रिसर्च के अंदर में, जो कि हमारा बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, ठीक है, इन सभी में आता है। सो लीनियर प्रोग्रामिंग देखेंगे हम क्या होता है, हमारा मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एंड एडवांटेजेस क्या होते हैं और अजम्पशंस, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आज हम देखने वाले हैं कि हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग का बेसिकली मीनिंग क्या होता है एंड ये सब चीज़ें ये डिफाइन कैसे किया जाता है, बेसिकली होता क्या है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड गाइज, ओनली 97% ऑफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, ओनली 2.2%, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज हम भी डीमोटिवेटेड होते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। सो अब स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट को, ओके। सो हमारे एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे जिसका नाम था रॉबिन, उन्होंने क्या बोला था कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल, मटेरियल, ये सब कैसे होते हैं, जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं। सो हमें उसका क्या करना चाहिए, एक बेस्ट यूज़ करना चाहिए, उसके अल्टरनेटिव यूजेस देखने चाहिए कि हम उसको कैसे कैसे यूज़ करके अपना कम रिसोर्सेज में क्या कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो यही प्रॉब्लम हमारी क्या होती है, इसीलिए जो है द प्रॉब्लम बिफोर एनी मैनेजर्स, कोई भी मैनेजर अपना प्रोडक्शन जब स्टार्ट करता है उसके लिए पास क्या प्रॉब्लम होती है कि वो बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़ करे जिसकी वजह से उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए और जो उसकी कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। सो अब हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग कैसे हेल्प करता है इसमें, सो जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग होता है ये एक टेक्निक होती है, क्या होती है, ये एक टेक्निक होती है जो यूज़ करी जाती है इन सभी बेस्ट अल्टरनेटिव को क्या करने में, सिलेक्ट करने में, ओके। हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं और हमें अपने जो है जो हमारे रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनका अल्टरनेटिव यूजेस देखना है। सो उसके लिए हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग होती है वो एक बेस्ट क्या प्रोवाइड कराती है, बेस्ट अल्टरनेटिव प्रोवाइड कराती है, क्योंकि ये एक टेक्निक होती है, क्या होती है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू ये हमें हेल्प करती है कि हम सिलेक्ट कर पाएँ बेस्ट अल्टरनेटिव और स्ट्रेटेजी, ठीक है, अपने किसके लिए, जिसकी वजह से हम मैक्सिमाइज कर सके अपने प्रॉफिट्स को बिजनेस के अंदर एंड मिनिमाइज कर सके अपने कॉस्ट को, ओके। सो लीनियर प्रोग्रामिंग हमारा ऐसे हेल्प करता है, हमें हेल्प करता है वो नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करने में जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो एंड कॉस्ट मिनिमाइज हो, ओके। यहाँ तक आया आपको समझ में। नेक्स्ट होता है लीनियर प्रोग्रामिंग, जो लीनियर एंड प्रोग्रामिंग दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज लीनियर, जो लीनियर होता है वो किसके लिए स्टैंड्स करता है, फॉर इंडिकेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ डिग्री वेयर एज वन अनदर वर्ड्स, ओके। तो हमारा जो लीनियर होता है, लीनियर जैसे कि ए और बी, ये हमारे दो वेरिएबल है कोई, ठीक है, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप हमारा कौन बताएगा कि ये हमारा बेस्ट अल्टरनेटिव है या फिर ये वाला हमारा बेस्ट अल्टरनेटिव है, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप हमारा बताता है लीनियर। तो लीनियर का क्या मीनिंग होता है, लीनियर ऑन स्टैंड्स टू शोज और इंडिकेटिंग द रिलेशनशिप, सो ये हमारा क्या करता है, शो करता है या फिर डिफाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब देखते हैं प्लानिंग प्रोग्रामिंग क्या होता है हमारा। प्रोग्रामिंग मींस प्लानिंग एंड रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम वेरियस अल्टरनेटिव। सो सबसे पहले हमने क्या चूज़ किया कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक ए वेरिएबल है, एक बी वेरिएबल है, हमें नहीं पता कि हमें ये ज़्यादा मैक्सिमाइज प्रॉफिट करके देगा या फिर इसमें कॉस्ट कम लगेगी या इसमें लगेगी, इसमें कर लगेगी। सो हमारी जो लीनियर होती है, लीनियर क्या होती है, लीनियर प्रोग्रामिंग एक टेक्निक होती है जिसकी थ्रू हम एक अपना बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो इन दोनों वेरिएबल्स में रिलेशनशिप निकाल कर जो हमारा लीनियर होता है क्या सिलेक्ट करता है कि हमारा ए वेरिएबल बेस्ट है या फिर हमारा बी वेरिएबल बेस्ट है इस वर्क को करने में, जैसे कि अगर हमें प्रोडक्शन करती है करना है, ठीक है। सो हम देखते हैं कि हमारी ए मशीनरी ज़्यादा इफ़िशेंट है या फिर बी मशीनरी ज़्यादा इफ़िशेंट है, ऐसे हमारे यहाँ पे हम उसको वेरिएबल्स की तरह लेते हैं कि हमारे पास ए मशीनरी ज़्यादा कॉस्ट लगा रही है या फिर बी मशीनरी ज़्यादा कॉस्ट लगा रही है, ओके। लेकिन जो प्रोग्रामिंग होता है, प्रोग्रामिंग का क्या मतलब होता है कि प्लानिंग एंड रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, मतलब ये हमारी प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग का मतलब होता है प्लानिंग करना, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन कि हमारे लिए क्या बेस्ट होगा, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट होगा, कौन सा अल्टरनेटिव हमारे लिए बेस्ट होगा। जब हम उसको सिलेक्ट करते हैं अपने प्रोडक्शन के लिए या फिर बिजनेस प्रोसेसेस के लिए, सो ये हमारा क्या होता है, ये प्रोग्रामिंग होता है। सो आई थिंक कि लीनियर एंड प्रोग्रामिंग का दोनों का मतलब आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। फर्स्ट
मैं इसको थोड़ा थ्रोली डिफाइन करना चाहती हूँ कि पहले हमें समझ में आना चाहिए कि लीनियर और प्रोग्रामिंग होता ही क्या है बेसिकली. सो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है, हमारी एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करते हैं जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट है वो हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं एंड प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं. सो हम वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़ करते हैं जिसकी वजह से जो हमारे स्कार्स रिसोर्सेज हैं, मतलब बहुत कम रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसका हम बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएं. ओके, सो द लीनियर प्रोग्रामिंग इज द टेक्निक. क्या होती है ये टेक्निक होती है, वॉज फॉर्मुलेटेड बाय अ रशियन मैथमेटिशियन. सो ये फॉर्मुलेट किसने किया है, एक रशियन मैथमेटिशियन ने किया है जिसका नाम था एलवी कैनरोइच, विच द प्रेजेंट वर्जन सिंप्लेक्स मैथड वॉज डेवलप्ड बाई जॉर्ज बी डैनचिक इन 1947. सो ये जो रशियन मैथमेटिशियन ने क्या किया था, इसको फॉर्मुलेट किया था, लेकिन इसका जो न्यूली मैथड है, जिसका मैथड है जो कि नाम है इसका सिंप्लेक्स मैथड, वो किस कौन लेके आया है, वो लेके आया है जॉर्ज बीक, और कब लेके आया है, 1947 के अंदर लेके आया है. सो लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक. क्या होती है ये, एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च. किसकी अंडर है ये, ऑपरेशनल रिसर्च की, डेवलप फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. किस लिए डेवलप किया गया है, जिसकी वजह से जो हम हैं अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएँ. ऑप्टिमम का मतलब होता है हम बेस्ट यूज़ कर पाएँ अपने रिसोर्सेज का, मतलब हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका, इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस को सिलेक्ट करके हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर पाएँ और अपने जो भी हमारे बिजनेस के अंदर कॉस्ट आ रही है उसको मिनिमाइज़ कर पाएँ. सो नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन. मतलब ये हमारा दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, या तो हम मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं अपने प्रॉफिट को इसके थ्रू, या फिर मिनिमाइज़ कर रहे हैं अपनी कॉस्ट को इसके थ्रू. टेक्निक इन डिसीजन मेकिंग बिजनेस एंड एवरीडे लाइफ फॉर ऑब्टेनिंग द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज इज रिक्वायर्ड ऑफ अ लीनियर एक्सप्रेशन टू सेटिस्फाई सर्टेन नंबर ऑफ गिवन रिस्ट्रिक्शन. सो ये हमारा क्या करता है कि हमारा डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं इसको, डेली प्रोडक्शन में हम यूज़ करते हैं कि हमें जो है मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, हमारा मिनिमम कॉस्ट चाहिए अपने बिजनेस में, ठीक है. और ये हमारे एवरीडे लाइफ में यूज़ होती है, बिजनेस में यूज़ होती है, टू ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट्स एंड मिनिमम कॉस्ट. अब इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उसको देख लेते हैं. सबसे पहला होता है हमारा डिसीजन वेरिएबल्स. अभी हमें देखना पड़ेगा कि जब तक हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आएंगे, उससे पहले अगर हम टर्मिनोलॉजी पढ़ लेंगे तो उसका हमें इजीली सॉल्व हो जाएंगे हमारे जो भी क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिकल. ओके, सो डिसीजन वेरिएबल्स, डिसीजन वेरिएबल्स आपको इससे ही पता लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं वो वेरिएबल जो हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है. जैसे कि हमारे पास ए वेरिएबल है या फिर बी वेरिएबल है, हमारे पास ए मशीनरी है या फिर बी मशीनरी है. अब हमें कोई डिसीजन लेना है, सो हम इसके बीच में क्या करेंगे, एक लीनियर जिसके थ्रू ये रिलेशनशिप क्रिएट होगा कि हमारा ये बेस्ट ऑप्शन है हमारे बिजनेस के लिए या फिर ये बेस्ट ऑप्शन है. ओके, सो ये हमारे क्या होते हैं, डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं. सो द डिसीजन वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स, ये वो वेरिएबल्स होते हैं विच विल डिसाइड माई आउटपुट, मतलब मेरी क्या आउटपुट आने वाली है, मेरा क्या रिजल्ट आने वाला है. अगर मैं ए सिलेक्ट करती हूँ या फिर बी सिलेक्ट करती हूँ, इसके थ्रू मेरा क्या आंसर आ रहा है, इसके थ्रू मेरा क्या आंसर आ रहा है, मतलब ये मुझे 50,000 का प्रॉफिट दे रहा है या फिर ये मुझे 60,000 का प्रॉफिट दे रहा है. ओके, सो ये हमारा क्या करता है, हमारा आउटपुट डिसाइड करता है और रिप्रेजेंट अल्टीमेट सॉल्यूशंस, और हमें एक अल्टीमेट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है कि विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर अस, विच डिसीजन इज बेस्ट फॉर अस. ओके, टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम वी फर्स्ट नीड टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल डिसीजन. सो अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि हमें ये मशीनरी सिलेक्ट करनी चाहिए अपने बिजनेस के लिए, या फिर ये मशीनरी सिलेक्ट करनी चाहिए, या फिर हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए. सो इसके लिए, प्रॉब्लम के लिए फर्स्ट हमें क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अपने डिसीजन वेरिएबल्स जिसके थ्रू हमें अपना डिसीजन लेना है. ओके, नेक्स्ट होता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. इट इज़ डिफाइंड एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग डिसीजन, कि हमारे बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, हम क्या ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमाइज करना चाहते हैं हम अपना प्रॉफिट, मिनिमाइज़ करना चाहते हैं हम अपना कॉस्ट हम बिजनेस के लिए. सो हमारा ऑब्जेक्टिव ही क्या है हमारा बिजनेस का, ठीक है, जो हम ये जो हम भी हमारी प्रॉब्लम है उसके थ्रू हम अपना हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. सो कंपनी विश टू इंक्रीज प्रॉफिट जेड, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमेशा हम जेड से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं.
सो द प्रॉफिट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन सबसे पहले होता है हमारा डिसीजन वेरिएबल जिसके थ्रू हम कोई भी डिसीजन लेते हैं. सेकंड बिजनेस के अंदर क्या आता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है. इस डिसीजन वेरिएबल्स के थ्रू हम क्या करना चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ही क्या है बिजनेस का, हम अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं या फिर अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं. ठीक है, हर एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है, अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है. कोई सेल्स बढ़ाना चाहता है, कोई अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है, कोई शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज करना चाहता है. सो हर एक बिजनेस का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है. सो इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल कि कंपनी अपना जो है इंक्रीज करना चाहती है प्रॉफिट, सो इसको हम जेड डिनोट करेंगे. सो द प्रॉफिट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन. इसके अंदर क्या है, हमारा प्रॉफिट एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है. ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्ट्रेंट्स. अब हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं, जो भी हमारे पास में रेस्ट्रिक्शंस, जो भी हमारे पास में डिफ़िकल्टीज, जो भी हमारे पास में लिमिटेशंस आती हैं कि हमारे पास लेबर अवेलेबल नहीं है, हमारे पास पावर सप्लाई अवेलेबल नहीं है, या फिर हमारे पास जो है जो हमारा पड़ा हुआ है माल वो नहीं आ पा रहा है, फिर हमारा क्रेडिट मनी नहीं आ पा रहा है. सो ये कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं हमारे. द कॉन्स्ट्रेंट्स आर द रेस्ट्रिक्शंस. ये क्या होती है, हमारी रेस्ट्रिक्शंस जो भी हमारे बिजनेस को करने में उसको लिमिट करती है, मतलब रेस्ट्रिक्ट करती हैं कि हम जो है अपना बेस्ट ऑल्टरनेटिव नहीं चूज़ कर पा रहे, उसमें लिमिटेशंस लगाती हैं. वो डिसीजन ऑन द डिसीजन वेरिएबल के हमारा डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि हमें ये ए मशीनरी सिलेक्ट करनी थी, बी मशीनरी सिलेक्ट करनी थी. ठीक है, अब उसके लिए मशीनरी तो हमारी ठीक है, लेकिन उसके लिए लेबर नहीं आ पा रही. ये हमारे लिए क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, ये हमारे पास डिफिकल्टी है, हमारे पास लिमिटेशंस है. द यूजुअली लिमिट्स ऑन द वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स. सो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं कि जो भी हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस लिमिटेशंस आ जाती हैं वो ही हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं. ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारा लिमिट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अगर हमें मिल्क और चोको प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, इसके लिए हमारे कॉन्स्टेंट्स क्या हो सकते हैं कि हमारे पास उसके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं. ठीक है, सो ये रिसोर्सेज हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये कॉन्स्टेंट्स बन जाएगा, ये जो हमें लिमिटेशंस बन जाएगी प्रोडक्शन में. सो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेंट्स बोलेंगे. सो अभी तक हमने क्या देखा, डिसीजन वेरिएबल हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स हमारे बिजनेस में क्या होते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में. एंड अब देखेंगे नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस. फॉर ऑल लीनियर प्रोग्राम द डिसीजन वेरिएबल शुड ऑलवेज टेक नॉन वेरिएबल वैल्यूज. मतलब अगर हम कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग की इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, वेदर इट इज़ 2x + 4y = 5, ठीक है, कोई भी अगर हमारी इक्वेशन है, ये सब चीज़ें अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जब भी इसके न्यूमेरिकल्स पे आएंगे तो हम ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करना देखेंगे. ठीक है, सो अभी आप देखो कि जो भी हमारी ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग होगी, इसमें कोई भी वैल्यू हम नेगेटिव नहीं ले सकते. ठीक है, कभी भी हम नेगेटिव लेके सॉल्व नहीं करेंगे इसमें, या तो फिर वो ज़ीरो रहेगी. ठीक है, या तो हमारी वैल्यू हम ज़ीरो लेंगे या फिर ग्रेटर देन ज़ीरो लेंगे, या फिर ग्रेटर देन ज़ीरो लेंगे, ग्रेटर देन ज़ीरो लेंगे. ओके, 1, 2, 3, लेकिन हम इसमें माइनस नहीं ले सकते. ओके, -3, -2 इसमें जो है कंसिडर्ड नहीं होंगी लीनियर प्रोग्रामिंग में. ओके, अब देखेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का. पहला हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कि हमारे बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है या मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट है, ये हम पढ़ चुके हैं. कॉन्स्टेंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कॉन्स्टेंट्स, ये सब हमारे क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के. ठीक है, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं कि ऑल द लिमिटेशंस या फिर रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, शुड बी फुली स्पेल्ड आउट इन द मैथमेटिकल फॉर्म. लेकिन हम इसको क्या करेंगे, जैसे कि अगर हमारे पास लेबर अवेलेबल नहीं है, हमारे पास 20 लेबर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे 20 लेबर, हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में जो है मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे, या फिर 20x या फिर 20y. ठीक है, ये सब हम देखेंगे अभी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या फिर इसकी वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, उस पर देखेंगे हम. ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का, कि नॉन नेगेटिव होता है. इसमें हमारी वैल्यू या तो ज़ीरो होगी या फिर पॉजिटिव होगी, हम कभी भी इसमें नेगेटिव वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में भी. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ प्रोडिक्शन, द मैनेजर कैन डिसाइड अबाउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट नंबर इज पॉजिटिव और मिनिमम ज़ीरो. मतलब अगर हमें फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैनेजर है, ठीक है, उसको प्रोडक्ट नंबर देना है कि इसकी वैल्यू 20 है, 20 प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, 20 हमारे 20 रिसोर्सेज अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल हमारी 20 यूनिट्स अवेलेबल हैं किसी भी चीज़ की. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमेशा हम पॉजिटिव नंबर देंगे इसको या फिर ज़ीरो देंगे, नेगेटिव में हम कभी भी नहीं देने वाले लीनियर प्रोग्रामिंग में. ठीक है,
नेक्स्ट होता है लीनियरिटी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, लीनियरिटी। द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स मस्ट बी लीनियर, मतलब जो भी हमारे वेरिएबल्स होंगे एफ या फिर बी या फिर हमारी कोई भी दो वेरिएबल्स, उसके बीच में कैसा रहेगा रिलेशनशिप, लीनियर रहेगा। लीनियर मीन्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, प्रोपोर्शनल मतलब वन अपॉन एक्स, ठीक है। बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स द डिग्री ऑफ वेरिएबल शुड बी मैक्सिमम वन, मतलब जो भी हमारी वन तो वैल्यू रहेगी रहेगी उसकी, ठीक है। नेक्स्ट होता है फाइनाइटनेस, द नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट नीड टू बी फाइनाइट इन द केस ऑफ इनफाइनाइट फैक्टर टू कंप्यूट, मतलब जो भी हम हमारा इनपुट होगा, मतलब जो भी हमारा या तो हम जो कुछ लगा रहे हैं रिसोर्सेज या फिर जो हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने अपना रिसोर्सेज बनाया, सो हमारे ये जो है कैसे होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए कि हम जो है उसको काउंट कर सके, जिसकी वजह से वो हमारा ईजिली क्या हो सके, कंप्यूट हो सके, हमारी कैलकुलेशन ईजिली हो सके उसकी, ठीक है। अगर हमारा जो है इनफाइनाइट आ जाएंगे इनपुट एंड आउटपुट, तो जो हमारा फीजिबल सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा, मतलब एक प्रॉपर सॉल्यूशन हम नहीं निकाल पाएंगे उस चीज़ का। तो अब देखने वाले हैं कि हमारे एडवांटेजेस क्या होते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के। लीनियर प्रोग्रामिंग सबसे पहले क्या करता है, हमें लॉजिकल थिंकिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, और बेटर इंसाइट प्रोवाइड करता है कि कोई भी हमारी जो बिज़नेस की प्रॉब्लम्स है, मतलब जो भी हमारी बिज़नेस प्रॉब्लम्स है कि हमें ये रिसोर्सेज अपना ऐसे हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं या फिर इस रिसोर्सेज का कैसे कर सकते हैं, सो हमारी बिज़नेस प्रॉब्लम्स के लिए एक बेटर इंसाइट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है मैनेजर कैन सिलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ एलपी बाय इवैल्यूएटिंग द कॉस्ट एंड प्रॉफिट वेरियस अल्टरनेटिव्स, मतलब जो मैनेजर होता है वो एक बेस्ट सॉल्यूशन निकाल सकता है विद द लीनियर प्रोग्रामिंग, कैसे, उसकी कॉस्ट को इवेल्युएट करके और वेरियस अल्टरनेटिव्स, जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या करता है, एक टेक्निक्स प्रोवाइड कराते हैं जिसकी वजह से हम वेरियस अल्टरनेटिव सिलेक्ट कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, ओके। सो इसके थ्रू हमारा मैनेजर ये कर सकता है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स एन इंफॉर्मेशन बेस फॉर ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। सो जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन बेस प्रोवाइड कर देता है कि हम कैसे अपने स्कार्स रिसोर्सेज को, मतलब जो भी हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम एलोकेशन कर सकें, मतलब उसको ऑप्टिमम यूज़ कर सकें। लीनियर प्रोग्रामिंग असिस्ट इन मेकिंग एडजस्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशंस, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग असिस्ट करता है मैनेजर को कि वो जहाँ पे उसे एडजस्टमेंट की ज़रूरत है वहाँ पे कर पाए, जिसके क्योंकि हमारी जो कंडीशंस हैं वो चेंज होती रहती हैं, सो उसके अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से हमारा जो कॉस्ट है वो लिमिटेड रहे, कॉस्ट हमारी ज़्यादा इंक्रीज ना हो और हमारा जो प्रॉफिट है बिजनेस का वो भी मैक्सिमाइज हो। सो लीनियर प्रोग्रामिंग हेल्प इन सॉल्विंग मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स, सो ये हमारा बहुत सारी मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है बिजनेस में। नेक्स्ट इज अजम्पशंस, कि क्या क्या अजम्पशंस होते हैं इसके, मतलब कुछ कुछ अजम्पशंस भी होते हैं कि हमें, जैसे कि हम इसमें नॉन नेगेटिव फैक्टर लेते हैं, ठीक है, इसमें हम जो नॉन नेगेटिव फैक्टर्स नहीं ले सकते, सिर्फ पॉजिटिव या फिर ज़ीरो ले सकते हैं, ऐसे होते हैं। देयर इज़ अ नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड और रेस्ट्रिक्शंस एक्सप्रेसिबल इन क्वालिटेटिव टर्म्स, मतलब जो हमारे जो भी कॉन्स्टेंट्स होंगे, मतलब जो भी हमारी रेस्ट्रिक्शन होगी कि हमारे पास लेबर अवेलेबल नहीं है, हमारे पास पावर सप्लाई अवेलेबल नहीं है, सभी हमारे किस में एक्सप्रेस किए जाएंगे, क्वांटिटेटिव टर्म्स में, मतलब नंबर्स में, 2x प्लस 3y इन टर्म्स में हमारे क्या है एक्सप्रेस्ड किए जाएंगे। द प्राइज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर कॉन्स्टेंट, जो भी हमारा प्राइज होगा इनपुट का और आउटपुट का वो कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, कि जितना हमने इनपुट डाला, जितना लगाया और जितना हमें वापस मिला, हमारा जो है वो कॉन्स्टेंट आना चाहिए। द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कॉन्स्टेंट्स आर लीनियर, कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है लाइक मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट या फिर मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, वो हमारा कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, मतलब प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़ टू बी ऑप्टिमाइज, दैट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड कॉस्ट मिनिमाइजेशन, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए या तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फिर कॉस्ट मिनिमाइजेशन, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, सो वी हैव डिस्कस अबाउट द बेसिक थ्योरी ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग। सो आपको अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके।
एंड फॉर मोर वीडियोस यू कैन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड यू कैन प्लीज सब्सक्राइब बिकॉज 97% ऑफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, ओनली 2.2% इज सब्सक्राइब. ओके, सो थैंक यू. एंड गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज कमेंट माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.